हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिर्ज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज ना टुडे और आज ट्वेंटी सेवन दिसंबर है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है इंडिया टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी इन टू थाउजेंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दो तक इंडिया फिफ्थ पोजिशन पर पहुँच जाएगा यूके और फ्रांस को ओवरटेक करते हुए और अगर इंडिया को टॉप थ्री में जाना है तो उसके लिए टू तक का इंतजार करना होगा और ये जो रैंकिंग है वो सी एक कंसल्टेंसी है लंडन बेस्ड दैट इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च उनके द्वारा बताया गया है तो आप इसको लिख मतलब समझ सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया का जो आ, एक रेफरेंस है या एक डोमिनेंस है वर्ल्ड में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना मूड्स अफगान एंट्री इंटू सी पी ई सी सी पी ई सी स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में मनमुटाव बना रहता है तो अभी चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को इसमें राज़ी कर लिया जाए अफ़गानिस्तान को इसमें जोड़ लिया जाए और ये जो सी पी सी का पूरा इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये फुलफिल हो पाए और कहीं ना कहीं ये इंडिया को थ्रेट दिखाने वाली बात हो जाएगी और इंडिया हैज़ अपोज इंडिया ने हमेशा ही अपोज़ किया है सी पी ई सी का विच पासिज़ थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपायड कश्मीर ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इन्फ्लूसिंग ऑन इट्स सवर्निटी तो क्या है जो पाकिस्तान ऑक्युपैड कश्मीर है उस रीज़न में चाइना अपने इस इस रोड को इस कॉरिडोर को, को लेकर के जाने की की बात कर रहे हैं और उनका ये प्लानिंग है जिसके कि खिलाफ़ है इंडिया पूरी तरीके से और अभी ये अफ़गानिस्तान को इसमें जोड़ना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान एक्चुअली एक लैंडलॉक कंट्री है और अफगानिस्तान इंडिया और ईरान का एक, एक एग्रीमेंट हुआ है ग्वादार देखिए अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और उनको जो एक्सेस है वो आ, उनके पास दोनों ऑप्शन है ग्वादार पोर्ट का भी है और चाबार पोर्ट का भी है तो चाबार पोर्ट में इंडिया ईरान और अफगानिस्तान तीनों का एक एग्रीमेंट है टायरेटर एग्रीमेंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी वहाँ पर वो चाबार पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक्सेस अफगानिस्तान का भी रहेगा तो ये इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशन है उसको भी स्ट्रेंदन करेगा और साथ ही साथ जो उनके साथ हमारा ट्रेड है उसको बिल्डअप करेगा बट उसका जो दूसरा रास्ता है वो चाइना खोलने की कोशिश कर रहा है कि ग्वादार पोर्ट में एक्सेस दिया जाए अफ़गानिस्तान को और इससे जो इनका पूरा सी का प्रोग्राम है वो फुलफिल हो पाए जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है उसको ये लोग कंप्लीट कर पाएंगे तो एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है आगे चल करके इन फ्यूचर तो आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ हो रहा है इसको ध्यान में रखेंगे कि ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को कहीं ना कहीं इंपेक्ट करेगा तो इसको ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फर्स्ट पॉड टैक्सी ऑन द वे टू फॉलो यू एस सेफ्टी नॉर्म्स देखिए एक पॉड टैक्सी का इंट्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में और ये पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट होगा जो इंडिया में लाया जाएगा और इसमें हाई लेवल सेफ्टी रखने की बात की जा रही है तो अभी एक कमेटी uh, है जिन्होंने की रेकमेंड किया है कि जो अमेरिकन बॉडी uh, है उसी के नॉर्म्स पे जो वहाँ के स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको ही यहाँ पे लाया जाएगा और उस आ, उस पूरी सेफ्टी नॉर्म्स को इस प्रोजेक्ट में रखा जाएगा इंडिया में एंड पॉट टैक्सी इज अ पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम फॉर सिटीज तो एक पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम है ये बिल्कुल मेट्रो की तरह है लेकिन इसका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है जैसे कि ईच पॉट कैन कैरी अप टू फाइव पैसेंजर पाँच पैसेंजर को ये कैरी कर सकता है द रोप वे लाइक सिस्टम रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एंड ड्राइवरलेस पॉट मूव एंड एलिवेशन टू फाइव टू टेन मीटर तो ये ड्राइवरलेस पॉड होगा इसमें इकट्ठा सिंगल लोग भी जा सकते हैं या छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग जा सकते हैं एंड सिक्सटी किलोमीटर ये एक घंटे में तय करेगा इसकी स्पीड ये होगी तो काइंड ऑफ डेली मेट्रो से मिलता जुलता ये एक वेकल प्रोग्राम होगा द पीपल मूवर स्टैंडर्ड्स इन दू एस एज रिकमेंडेड बाय द कमिटी फॉर द मैडन अपी आर इन इंडिया तो ये जो ऑटोमेटेड पीपल मूवर स्टैंडर्ड है जो कि यूएसए में रखा जाता है उसी को यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है इसी जो कमेटी बनी थी उसने यही रिकमेंड किया था कि ऐसे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे भी अपनाए जाएं इसके लिए तो पॉड टैक्सी जो है वो इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविस्ट पिक होल्स इन ट्रिपल तालाक बिल ट्रिपल तालाक बिल बहुत ज्यादा न्यूज में आने लग गया है हर दूसरे दिन इसका मुद्दा बना रहता है तो देखिए इस पे अभी जो बी एम एम ए है दैट इज भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जिन्होंने की पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया था जब ट्रिपल तालाब को हटाने के लिए और क्रिमिनलाइज करने की डिमांड चल रही थी तो उसमें पार्टिसिपेट किया था और हिस्सा लिया था तो अभी ये जो बिल लाया गया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2017 उसको लेकर के इनका कहना है कि ये जो बिल है ये बहुत एफिशिएंट नहीं है कही कहीं ना कहीं एक गोल है कि महिलाओं को सुरक्षित करना है वो इससे फुलफिल नहीं किया जा सकता है इनका कहना है कि दिस अ लैक ऑफ लैक अ होलिस्टिक अप्रोच ऑन जेंडर जस्टिस एंड लीव्स असाइड प्रॉब्लम्स सच एज पॉलीगेमी एज ऑफ मैरिज एंड हलाला इनका कहना है कि जो एक जेंडर जस्टिस मिलनी चाहिए थी हमें ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो हमने इतना इतनी लड़ाइयाँ करी वो नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं इस बिल के द्वारा कुछ कमियाँ रह गई हैं इसमें साथ ही साथ ये जो बिल है ये बहुत सारे और मुद्दों को छोड़ दे रहा है पीछे जैसे कि पॉलीगेमी यानी कि जब एक पुरुष कई सारी विवाह करते हैं दो से एक से ज्यादा अधिक विवाह करते हैं उसको पॉलीगेमी कहते हैं याद रखिएगा इसके अलावा एज ऑफ मैरिज मैरिज का जो एज होना चाहिए फिक्स एज होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं असाइड uh, किया जा रहा है और हलाला एक प्रैक्टिस होती है मुस्लिम्स में उसको भी पूरी तरीके से अवॉइड किया जा रहा है हटाया जा रहा है एंड हलाला इज अ प्रैक्टिस वेर अ वुमन इज मेड टू डू अ ने निकाह विद अनदर मैन इन ऑर्डर टू गो बैक टू हर फॉर्मर हस्बैंड तो ये जो हलाला की प्रथा है इसको भी यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन इनका कहना है कि ये एक जो ऑब्जेक्टिव था जे, जेंडर जस्टिस का महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने का वो फुलफिल नहीं किया जा सकता है इससे और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमने डिस्कशन किया था कि इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है इस बिल को तो अभी देखिए इसमें और बातें होती रहेंगी बट यहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेंगे ये हमने क्यों न्यूज़ डिस्कस किया है क्योंकि ये जो दो तीन पॉइंट है आप इसका इस्तेमाल अपने आंसर में कर सकते हैं कि अगर आता है कि मुस्लिम जो बिल आया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट बिल उसमें क्या कम कमियाँ हैं या क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए आता है तो आपको वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को लिखना है नेक्स्ट न्यूज़ है मिशन सेवन समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के एस्पेक्ट्स से तो जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने लॉन्च किया था ये यूनिक प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड मिशन सेवन समिट्स और इसमें इनका उद्देश्य होता है टू फ्लाई द ट्राई कलर एंड द आई ए एफ फ्लैग ऑन द हाइस्ट पीक इन एवरी कॉन्टिनेंट जो हमारा प्यारा तिरंगा है उसको लहराना हर कॉन्टिनेंट के हाइएस्ट पीक पर इनका ये एम है इनका ये उद्देश्य है उसकी वजह से ये इस समिट को लेकर के आए हैं इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं तो इट इज़ द फाइव आई एफ माउंटेनियर्स लीड बाय द कैप्टन आर सी त्रिपाठी इन अर्ली आर्स ऑफ ट्वेंटी सेवनटीन है सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट विंसन इन अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट है याद रखिए माउंट विंसन कहाँ पर है अंटार्कटिका तो इंडियन एयरफोर्स की जो माउंटेनियर्स हैं उनको बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और uh, इन्होंने माउंट माउंट विंसन जो कि अंटार्क्टिका में है वहाँ पर हमारा तिरंगा लहराया है और अपने मिशन को कम्प्लीट किया है तो एक बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है और इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आई एफ हैज़ प्रमोटेड एडवेंचर एक्टिविटीज़ अमंग्स पर्सनल्स इन टू थाउजेंड इलेवन अ वुमेन एक्सपीडिशन स्केल माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली एंड इन टू थाउजेंड सेवेंटी अ जॉइंट आई ए एफ यानी इंडियन एयरफोर्स एंड बी एस एफ वुमेन कैमल एक्सपीडिशन कवर्ड थर्टीन हंड्रेड सिक्स किलोमीटर डिस्टेंस अलॉन्ग वेस्टर्न बॉर्डर इन नाइन इन फोर्टी फोर्टी सेवन डेज तो ऐसे ये जो काम है जो एडवेंचरस वर्क हैं ये लोग करते रहते हैं एक प्रोजेक्ट के तौर पे करते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं यही हमारी सफलता है यही हमारी कामयाबी है भारत की खास करके तो जब भी आप देखते तो 26 जनवरी के परेड में हमें यह सब देखने को मिलता है कि हमारे देश में कितनी खूबसूरती है कितनी कितना साहस है तो आपको याद रखना है ये जो मिशन सेवन समिट्स है ये इंडियन एयरफोर्स का लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है और इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है जो हमारा ट्राई कलर है तिरंगा उसको लहराना है हाइएस्ट पीक पर हर कॉन्टिनेंट के और यहाँ पे ये ये भी याद रखना है कि माउंट मेन्शन अंटार्कटिका में है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टेक्सटाइल इंडिया टू और हमारा एक्चुअली जो करंट uh, अफेयर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है डे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के भी कुछ अचीवमेंट्स को इकट्ठा uh, करके अपलोड uh, कर दिया गया है पीआईबी में आई विल डिस्कस इट सून तो यहाँ पे देख लेते हैं टेक्सटाइल इंडिया टू थाउजेंड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया जो लोग बहुत दिनों से इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा तो देखिए ये एक फर्स्ट मेगा इंटरनेशनल ट्रेड था इट वॉज काइंड ऑफ ट्रेड जो कि गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था तीस जून से दो जुलाई तक टू शो केस द इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ इंडिया टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो जो इंडिया में की स्ट्रेंथ है और जो टेक्सटाइल का रेंज है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उसको प्रमोट करने के लिए उसकी uh, अद्भुत चीजों को दिखाने के लिए स्ट्रेट को लाया गया था एंड टोटल सिक्सटी फाइव एम ओ यूज विद एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मोर देन एलेवन थाउजेंड करोड़ वो असाइंड ज्यूरिंग द इवेंट इस इवेंट में बहुत अच्छा खासा अमाउंट असाइन किया गया है जो छोटे छोटे सेक्टर के तरफ से काम करते हैं उनको हेल्प किया जा सके और ये जो पूरा टेक्सटाइल इंडिया है उसको अपग्रेड किया जा सके इसके लिए आया था इसमें कुछ और बातें शामिल थी बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे पहला तो रिकमेंडेशन था इंटर इंटरनेशियल स्टीरिंग कमेटी का जिन्होंने कहा कि टू ऑब्जर्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इसको भी डिस्कस किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पूछा जा सकता है याद रखेगा के एन एम एस नॉलेज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है पूछा जा सकता है तो इट वॉज़ द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज अमंगस द एकेडमी फार्मिंग कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री ऑन द प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल फाइबर तो याद रखिए कि ये जो एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कहाँ से कहाँ तक फार्मिंग से लेकर के पूरे एकेडमिक तक प्रोडक्टिविटी तक यानी कि पूरे जब, जो जो फाइबर फॉर्म होता है उसके बाद जब वो वेव होता है फिर मार्केट में जाता है तो पूरे पूरे नेटवर्क को इसमें जोड़ने की बात की गई थी इनका ये रिकमेंडेशन था मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था नेक्स्ट था एन इंटर मिनिस्ट्रियल सिनर्जी ग्रुप और ऑन मैन मेड फाइबर इनके ऊपर मैन मेड फाइबर के ऊपर इनका रिकमेंडेशन था टू फॉर्मुलेट पॉलिसी इसके कॉम्पिटिव uh, कॉम्पिटिवनेस यानी कि ग्रोथ और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए आपस में जो मैन मेड फाइ फाइबर होते हैं उसको आगे लेके जाने के लिए इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बनने चाहिए नए सिरे से और तीसरा टास्क फोर्स ऑन टेक्सटाइल इंडिया टू स्टेयर फॉलो अप एक्शन ऑन वेरियस आउटकम्स ऑफ टेक्सटाइल इंडिया टू फॉर ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रोथ के लिए एक जो टास्क फोर्स बनाया गया था टेक्सटाइल इंडिया पे उन्होंने भी कई का, काफ़ी सारे एक्शन्स बताए थे कई का, काफ़ी सारे उसके आउटकम्स भी आए थे तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पावरटेक्स इंडिया और पावरटेक्स इंडिया को ये सी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसको फर्स्ट अप्रैल टू को लाया गया था इसमें टोटल फोटी लाख वर्कर्स और व्यवर्स थे जिनको की सपोर्ट करने की बात की गई है और द स्कीम हैज़ कॉम्पोनेंट रिलेटेड टू द लूम अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड कंसेशनल एक्सेस टू द क्रेडिट तो ये सारा इसमें कामथन करने की बात की गई थी इसमें और जो भी बेनिफिट्स दे सकते हैं इन्वेवर्स को उसकी बात की गई है टेक्स इंडिया नेक्स्ट है साथी साथी स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ इफिशियंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना रहेगी क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि इनका काम क्या था ये जो पूरा प्रोजेक्ट लाया गया था इसमें जो एफिशिएंट मोटर्स होते हैं मशीनरीज होते हैं रेपेयर किट्स होते हैं तो वो देने की बात की गई थी इसमें कि कम एनर्जी लगता हो कम बिजली की खपत होती हो ऐसे मशीनरीज uh, uh, जो लोग हैं जो काम करते हैं छोटे स्तरों पर या इन सेक्टर्स में काम करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर्स में उनको देने की बात की गई है और इसमें एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ई जो है उनको प्रोवाइड करना है सारा इक्विपमेंट्स वगैरह वर्कर्स को नो अप फ्रंट कॉस्ट कोई uh, कॉस्ट नहीं लगेगा उनका एंड वर्क तो इकट्ठा उनको पेमेंट नहीं करना होगा और जो वर्कर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं चार से पाँच साल का इंस्टॉलमेंट लेकर के वो अपने मशीनों का दाम पेमेंट कर सकते हैं इन uh, जो भी बैंक है उनको द इनिशियेटिव विल हेल्प फोर्टी फोर पॉइंट एट लाख पावर लूम यूनिट इन द कंट्री तो अब इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है पता नहीं लेकिन हाँ ऐसा न्यूज़ है कि ये जो इनिशिएटिव था इससे 24 लाख अप्रॉक्स लोगों को सहायता मिली किया गया था दैट इज़ डब्लू डब्लू डब्ल्यू आई पावर टेक्स इंडिया डॉट कॉम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन और इसमें लोग जो पावर लूम्स वेबर्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एंड फॉर द वेरी स्कीम्स अंडर द पावर टैक्स इंडिया पावर टेक्स इंडिया के तहत जो भी स्कीम्स हैं उनके लिए वो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं याद रखिएगा है, साथ ही क्या था

Uh, वो जेसी कारला थे तो जैसी कारला के अंडर में इस कमेटी का गठन किया था, गया था जिसमें कि बारह मेंबर थे टोटल और ये तीसरा वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था एंड द सेकेंड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वो कब से कब तक था 2002 से 2016 तक था और पहला वाला जो था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वो 1983 से 2002 तक का तो एपी था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इसके फाइव कंपोनेंट्स थे सेवनटीन थीम्स एंड वन जीरो वन कंजर्वेशन एक्शंस एंड टू फिफ्टी प्रोजेक्ट्स तो बहुत वाइड प्रोजेक्ट था ये बहुत वाइड इसमें प्रोजेक्ट्स में काम लाया गया है दो हज़ार इकतीस तक का टारगेट रखा गया है इसको अचीव करने का तो किस किस सेक्टर में ध्यान देने की कोशिश की जा रही है जैसे कि स्ट्रेंदनिंग द प्रमोशन एंड द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट तो हैबिटेट को सुधारने की बात की गई है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको मैनेज करना एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है याद रखेगा उनको भी सस्टेनेबल टूरिज्म नेचर एजुकेशन इन सब चीज़ों की इसमें बात की गई स्ट्रेंद वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज तो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ रिसर्च को स्ट्रेंथन करना भी इसका उद्देश्य रहा है एंड द प्लान विल हेल्प टू मेन स्ट्रीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप टू मार्क द ओकेजन तो मोबाइल ऐप भी इसके लिए लाया गया ये भी इम्पोर्टेंट तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसे द ड्राफ्ट प्लान प्लेस स्पेशल इन्फेसिस ऑन द रिहेबिलेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज तो थ्रेटेंड स्पेसीज जो हैं जिसको जैसे कि आप देखते हैं आई जो कैटेगरी बनाती है थ्रेटेड स्पेसीज का एंडेंजर्ड और क्रिटिकली uh, एंडेंजर्ड के तौर पर तो ऐसे स्पेसीज को प्रिजर्व करना रिहेबिटेट करना इसका काम होगा उसके लिए ड्राफ्ट बनाया जाएगा और इसमें जितने भी हैबिटेट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया जैसे कि इनलैंड एक्वेटिक हैबिटेट, कोस्टल मराइन इकोसिस्टम सबको इन्वॉल्व किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको कंफ्यूज कि घोषित किया जाता है उसका प्रोटेक्शन है कई बार प्रोटेक्टेड एरिया का भी प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है कई सारी जो बैन एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर कंडक्ट uh, कर दी जाती हैं टूरिज़म वगैरह बैन होता है बट इतना इन्फोर्समेंट उसका नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक सही मैकेनिज्म को लेकर के आना भी इसमें रखा गया है एंड बैन ऑन सर्टेन एक्टिविटीज़ को कुछ एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से बैन किया गया जैसे कि माइनिंग एंड बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स को बैन किया गया है द प्लान आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू वर्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टू बार माइनिंग एक्टिविटीज़ तो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टील मिनिस्ट्री है उनसे भी बात करके इन्होंने इस एक्टिविटीज़ को बैन किया है Anti-credit एंड abundant माइनिंग एरियाज़ तो ये आप पढ़ लीजिएगा सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे किस किस एक्टिविटी को बैन किया गया है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है इसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट की बात की गई है दे अप सेटिंग न्यू रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स लाया गया है क्वेश्चन में आता है कि uh, कब इसके इंट्रोडक्शन की बात की गई है तो याद रखिएगा अभी जो एक्शन प्लान आया है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दो सत्रह से दो हजार इकतीस तक का उसमें इसकी बात की गई है और बाकी के सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सबका नोट जरूर बनाएं थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद